Assalamualaikum guys, good morning और welcome to my channel। तो आज हमारा plan बना है कि हम लोग जाएंगे बीच पे थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि तुफेल की छुट्टी है काम से आज। और ये मेरी और तुफेल की चाय हो रही है, आज हम लोग सोचे कि चाय पीते हैं दोनों साथ में। सो यहाँ पे पक रही है रोटी आफ्टरनून में लंच के लिए, हम लोगों ने सोचा कि रोटी। और ये तुफेल की फेवरेट भाजी है, ये देखो मेरी गोल गोल रोटी। फाइनली मेरी रोटियाँ गोल बनने लगी है, पता नहीं कैसे ये मिरेकल हो गया है। खाना बन गया है और ये तुफेल की प्लेट हो गई है रेडी, मैं बाद में खाऊंगी। यूजुअली तो हम लोग इस पे घी लगाते हैं, बट उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, मीन्स दो दिन से ठीक नहीं है, तो घी भी मैं नहीं लगा रही हूँ, तो सिर्फ सिंपल सादी रोटी दे रही हूँ। क्यों ये नहीं नहाते बता दो। अभी बीच पे जाने की तैयारी हो रही है, तो कुछ थोड़ा सा स्नैक्स मैं खुद ही बना रही हूँ घर पे। तो मैंने ये चूड़ा बना लिया है फ्राई कर ली कॉर्नफ्लेक्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कुछ कुकीज़ और स्वीट्स रख ली है, सब पैकिंग हो गई है। बैठने के लिए हमने ले लिया है, पता नहीं वहाँ पे बैठने मिलेगा या नहीं, एंड बेबी का फीडर बॉटल सब ले लिया है। नाउ लेट्स गो। हम लोग निकल पड़े थे बीच के लिए 4:30 बजे और बहुत कड़क थी धूप, थी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। प्रिंस को भी बीच में ले लिया धूप की वजह से। कुछ देर के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि हम लोग वो विलेज साइड आ गए थे और ठंडी हवाएं बह रही थी और फाइनली धूप से छुट्टी मिली। यहाँ पे ना क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत है, तो आप लोगों को बहुत सारे चर्चेस और वैसी टाइप के घर देखने को मिलेंगे और गोवा वाला वाइब आएगा आप लोगों को। जैसे ही आपको ये चौकी दिखेगी ना, ये बुईगांव चौकी है पुलिस की, तो आपको वहाँ से लेना है लेफ्ट और अंदर ही अंदर बीच है। रास्ते पे ना बहुत सारे बनाना प्लांटेशंस दिखे हम लोगों को, छोटे छोटे फार्म्स है और बहुत ही बड़े स्केल पे यहाँ पे बनाना का प्लांटेशंस चालू था। यहाँ से बस 4 मिनट की दूरी पे है बीच और मौसम भी काफी सुहाना हो गया है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, शाम का टाइम हो गया है तो और मजा आ रहा है। हम लोगों को करीबन लाइक 1 घंटा लगा घर से यहाँ तक पहुँचने के लिए, और यहाँ पे छोटे छोटे हट्स है लोगों के और कार। अच्छा हम लोग है ना बाइक से आए, कार से आते ना तो बहुत दिक्कत होती क्योंकि नैरो है रोड आप देख सकते हो, मगर लोग कार से भी आते क्योंकि पार्किंग की सबकी सुविधा दी गई है। अगर कार से आते तो इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना हम लोग नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। ताड़ी माड़ी सेंटर, ये सब जो झाड़ दिख रहे हैं ना, ये सुरुचि के प्लांट्स बोल रही हूँ, सुरुचि के झाड़ है। केरला की याद आ रही है ना, केरला के बीच में जो कौन शेल्स लेके जाके डाल दी, शेल्स मिलेगी तो ले लो। सो अरे भाई बड़े हो जाओ, आओ इधर आओ पापा। हाँ कम ऑन कम, नो नो यू आर वेरी स्मॉल फॉर इट, यू टू यंग, कम बाय बाय, मम्मा जा रही है। हम लोगों ने ना बाइक बीच पे ले आए हैं और आगे जा रहे हैं अभी। एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ये व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मेरी ये व्लॉग में, क्योंकि मुझे ना डबल काम हुआ कि मैं जो वॉइस ओवर दे रही थी वीडियो बनाने के टाइम पे, मुझे वो फिर से देना पड़ा क्योंकि डिस्टर्बेंस इतना बहुत था, मतलब जो बीच है ना वहाँ पर हवा चल रही थी वो वजह से। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मज़ा आ रही है। प्रिंस ना यहाँ पर मिट्टी में खेल रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और ये प्रिंस के डैड ना यहाँ पे पत्थर ढूंढ रहे हैं फिश टैंक के लिए, थोड़ी यूनिक टाइप्स जो कल हम लोग ने जैसे मीन एक्वेरियम में देखे थे तो उनको वैसे बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे लगे, तो उसी टाइप के कुछ ना यहाँ से हम लोग नेचुरली उठाने लाए हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको देखो हम लोग से इतना दूर जाके ना अकेले बैठ के खेल रहा है, उसको कुछ फिक्र ही नहीं है कि मम्मी डैडी किधर है, अपना मस्त मगन है खेलने में।
और यहाँ पे उसके डैडी मगन थे ये सब स्टैक करने में। दूर भाग गया प्रिंस ना, इतना बदमाश है ना ये लड़का कि क्या बताऊं। यहाँ पे ना ये बड़ा सा स्टोन है, इस पर ना फोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं और बहुत लोग खींच भी रहे थे। हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए आ गए जब भीड़ कम हुई तो। वैसे तो बीच पे ज़्यादा भीड़ थी नहीं, एकदम आइसोलेटेड बीच लग रहा था, पर बहुत मज़ा आ रहा था इस पर बैठने के लिए और हम लोग पिक्स भी लिए बहुत सारी यहाँ पर। तो भी आई थिंक सो हाई टाइड का टाइम है तो पानी ना भर रहा है, सैंड बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है सैंड। यहाँ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि है ना नीचे सैंड है, जैसे जू बीच पे कैसे फील होता है जब पानी रिटर्न जाता है तो सैंड साथ में खींचती है ना, वैसा कुछ फील ही नहीं, एकदम सॉफ्ट वेलवेट जैसा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है सैंड। पानी भी बहुत ठंडा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार बीच पे आके, ऐसा लगता है ना कि पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है, चाहे वो पानी हो या फिर रेत हो उसमें चलने में बहुत मज़ा आता है। ऊपचे में बैठा देखो, निकला निकला निकला, वो बाइट मारेगा, बाइट बहुत गंदी बाइट मारेगा, देखो पहले ही हाथ अपने ऊपर कर रहा हो। ये नहीं जाएगा ना अपने, नहीं नहीं जाएगा, मर जाएगा, मोस्टली तो मर ही जाएगा, मर जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पानी के बीच में बैठ के थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, सनसेट का मजा ले रहे हैं। तो पहले इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मच्छी वच्छी तो नहीं है यहाँ पे, कहाँ जा रहे हो? ये मेरी जल परी सो रही है। प्रिंस के ना जूते हम लोगों ने निकाल दिए थे ताकि वो जो थोड़ा फील ले सके पानी और सैंड का, और उसको भी मजा आए। पानी से क्यों डर रहे हो बेबी, जस्ट वाटर यार, कम मम्मा मम्मा ले जाएगी, कम इसको, मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं। मैं इसको अभी पानी में ले गई थी ना, इसके जो पैर पे सैंड लग रही है ना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि निकालो उसको। बहुत ही आइसोलेटेड है बीच, मतलब ज़्यादा आप लोगों को दिखेगा नहीं, एंड फैमिली पिकनिक के लिए तो ये बहुत अच्छा है, सीरियसली। सुकून से आओ, मज़े करो फैमिली के साथ में, खाओ पियो जाओ, गंदगी भी नहीं है इतनी, ये सब जो है वो खाली जो पानी है ना, पानी के वजह से हुआ है सब कचरा, बाकी तो इतना है नहीं, शेल्स और ये सब भी पड़े हैं। जूहू बीच तो ओह माय गॉड बहुत गंदा है, इसकी हालत देखो प्रिंस की, देखो ज़रा ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से गटर में गिर के आया है, वो भी पोंछ रहा है अपने आस्तीन से, वो स्प्लैश कर रहा था। एक्चुअली क्या है ना, ये सैंड ब्लैक है, गंदा कुछ नहीं है, इसके लिए ना ऐसा लग रहा है। दिखा तो रुक जा। हाँ गिरेगा वो बेबी, उसको ले लो, पत्थर हाँ लगेगा, इतना गंदा क्या है पता नहीं कैसा क्लीन कर, वो तो हाँ वीडियो निकाल दे। सब छोटे छोटे प्रिंस के पैर के निशान हैं, पूरे बीच पे ही रहेंगे मेरे ख्याल से। तो अब देखो तो वहाँ पर भी है मेरे को सामने।
want anything, but you can't have anything because you're so dirty. ये गंदे लड़के का हाथ देखो. अरे मैं देती हूँ ना, मम्मा विल गिव यू. खाने के लिए डाले नहीं, बस यहीं पे बैठ के खा रहे हैं क्योंकि क्लीन है. पत्थर पे बैठे हम लोग. ये और ये प्रिंस ना कुछ डॉग्स को कुकीज़ ऑफ़र किया और फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये जो फ्राई किए थे ना वो भी डाल दिए तो वो लोगों ने खा लिए. उसके बाद में हम लोग निकल गए घर के लिए. सो बीच के फ्रंट साइड पे ना काफ़ी पब्लिक थी, लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे और यही टाइम ना लोग और ज़्यादा आ रहे थे बीच पे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था. और ये फूड स्टॉल्स है जो बीच के बाहर है एंड ये पार्किंग की फैसिलिटी थी यहाँ पे, चेंजिंग रूम की फैसिलिटी थी, इवन शावर भी अवेलेबल था. और घर जाते जाते ना रास्ते में हमने एक एडवेंचर किया, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा. सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.